ताजनगरी आगरा में वार्ड 29 को आदर्श वार्ड बनाने का सफल प्रयास वार्ड के पार्षद अजय कठेरिया कर रहे हैं। पार्षद कठेरिया ने जन समस्याओं को देखते हुए कैंप का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने, उज्ज्वला योजना के तहत वार्ड के विभिन्न घरों में गैस सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए नामांकन में आने वाली समस्याओं को अधिकारियों द्वारा दूर कराने का सफल प्रयास किया। खंडारी मास्टर प्लान रोड पर स्थित कुशवाहा बगीची में लगाए गए इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने संबंधित अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताकर उनका निस्तारण करवाया। अजय कटेरिया जी हमारे पार्षद जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए और हम चाहते हैं वो आगे बढ़े, तरक्की करें। ये पेंसिल है, मतलब गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, और गैस कनेक्शन है, नगर निगम की है, और आपकी राशन कार्ड की है। हम गैस कनेक्शन की वजह से आए हुए हैं। हाँ, मिले थे, उन्होंने क्या काम हो जाएगा। दिना तो नहीं पूछा, हमने नहीं पूछा, उन्होंने नहीं बताया। हाँ, काम सब कर रहे हैं, राशन कार्ड भी बनवाए उन्होंने, कार्ड भी बनवा दें, अभी बनवाएंगे। और हमें तो अब गैस की समस्या ज्यादा है ना, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है तो हमें परेशानी होती है, तो हमें गैस नहीं हमारे पास। क्यों नहीं करेंगे, हमें तो उम्मीद है ना, करेंगे, कर रहे हैं वो काम। कटेरिया जी से उम्मीद है, हमें तो करवाएंगे काम पूरा वो। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। हम ये आधार कार्ड की समस्या और गैस की है और ये विधवा पेंशन है, इसके लिए आए थे। क्या कहना चाहोगे, यहाँ समस्याओं के लिए कैंप लगाया गया पार्षद कटेरिया की तरफ से, तो कितना बढ़िया व्यवस्था है? यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई भी इसमें ये नहीं है कि हिंदू है, मुसलमान है, सबके लिए बढ़िया काम हो रहा है जी। और हमारे पार्षद जी ये है कि जब से जीते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई भी समस्या होती है तुरंत सुनते हैं, अगर हम फोन करते हैं फोन उठाते हैं, और अगर नहीं उठता तो दोबारा कॉल करते हैं हमारे पास जी। ऐसे पार्षद होने चाहिए, हमने वोट कभी नहीं दिया था, लेकिन इनको हमने वोट दिया आपकी बार। माननीय हमारे पार्षद जी अजय कठेरिया जी, चुनाव जीतने के वास्ते लगातार कोशिश में प्रयास है कि जो समस्याएं हैं जनता की, उनको क्या कहते हैं निस्तारण किया जाए। ये टोरेंट का बिल है, या दक्षिणांचल का बिल है, या वृद्धावस्था पेंशन है, या क्या कहते हैं विकलांग है, या जितनी कोशिश हो रही है क्षेत्र के अंदर अच्छा काफी विकास हो रहा है। इस मौके पर पार्षद कठेरिया सहित भाजपा के सहयोगी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम की जानकारी दी और वार्ड 29 में 5 से 6 ऐसे बड़े कैंप लगाने की बात कही। मैं अजय कुमार कठेरिया हूँ, वार्ड 29 से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में पार्षद हूँ। जन समस्याओं के लिए मैं जब क्षेत्र में जाता था तो राशन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, टोरेंट के लिए, दक्षिणांचल के बिल के लिए, विधवा पेंशन के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, बहुत सारी समस्याओं के लिए लोग कहते थे मेरे से, तो मैंने एक ही छत के नीचे चौपाल लगाने का निर्णय लिया और सारे अपने हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष जी आए हुए हैं हमारे बीच में, कहाँ चले गए विनोद सारस्वत जी, तो वो आए हुए हैं और पार्टी के नेतृत्व में मैंने ये चौपाल लगवाई और सारे कार्यकर्ता सारे भाई मेरे साथ हैं। और क्या कहना चाहेंगे, आगे भी इस तरह की चौपालों का आयोजन होता रहेगा? हाँ, मैं 5 चौपाल और लगवाऊंगा इसके बाद, क्योंकि ये कुशवाहा समाज की बगीची में है, एक बापूनगर में भी लगवाना चाहता हूँ, सराय बेगा में लगवाना चाहता हूँ, और पत्थर घोड़ा की सराय में लगवाना चाहता हूँ। क्या लगता है कि लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं को? बिल्कुल, लोग समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, लोगों की समस्याएं यहाँ पे दूर भी हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं। ये हमारे पार्षद अजय कठेरिया जी, हमारे जनता के क्षेत्र के प्रिय पार्षद, उनके द्वारा पहला ये कैंप लगाया गया है। एक छत के नीचे सारी समस्याएं सुनी जा रही हैं, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे टोरेंट के हों, या गैस वाले हों, या राशन कार्ड के हों, आधार कार्ड वाले हों, या उज्ज्वला योजना, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सारी योजनाओं के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, और भी पहला कैंप है ये। इसके बाद आगे लोगों के डिमांड के आधार पर 4-5 कैंप ऐसे और लगाए जाएंगे। अभी यहाँ पे माननीय हमारे अजय कठेरिया जी वार्ड 29 के पार्षद हैं, उनके अथक प्रयास, और यहाँ की जनता थोड़ा सा परेशान थी, उन्होंने इसका निराकरण किया पूरा, और अधिकारियों को बुलाया, टोटल अधिकारियों को बुला के उनका पूरी जनता का, वार्ड 29 की जनता का निस्तारण कर रहे हैं इस समय। आज बड़े ही
हर्ष का विषय है कि वार्ड 29 में हमारे यहाँ से अजय कठेरिया जो पार्षद हैं, इन्होंने बहुत ही एक अच्छा कार्य, आज प्रशंसनीय कार्य इस क्षेत्र में किया है, क्योंकि आज तक ये जनता भटकती रहती थी, यहाँ बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन आज सभी अधिकारी, चाहे वो टोरेंट के अधिकारी हों, चाहे आधार कार्ड संबंधी हों, चाहे आपके पेंशनर होल्डर हों, और जितनी उज्ज्वला संबंधी सारी समस्याओं का निस्तारण बड़ी अच्छी तरह से किया जा रहा है। अजय जी का कहना है यह है कि भी जितनी जनसमस्याएं हैं पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हो रहा है, सफाई पे विशेष ध्यान है, हर गली में हर मोहल्ले में उनकी टीम जाती है, चाहे जल निगम की हो, नगर निगम की हो, कोई भी हो, सारी समस्याओं को तुरंत। आपको बता दें कि पार्षद कठेरिया के अनुसार शहर भर में वह अपने वार्ड को आने वाले समय में आदर्श वार्ड बनाकर तमाम अन्य वार्ड के पार्षदों को संदेश प्रदान करना चाहते हैं। उनका मानना है कि बिजली, पानी, सड़क, आधार, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर सहित दर्जनों ऐसी भी सरकारी योजनाएं हैं जिन्हें आम जनमानस का लाभ नहीं मिल पाता है। उन्हीं वंचित लोगों को पूर्ण रूप से योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए कैंप का आयोजन किया गया है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि पार्षद अजय कठेरिया की मेहनत वार्ड 29 के लोगों की समस्याओं को कितना दूर कर पाती है। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। गोल्डन बीच फैशन स्टूडियो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपनी ड्रीम ड्रेस बनी हुई मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, एक बुटीक और फैशन स्टूडियो में बहुत हल्का सा फर्क है। बुटीक्स पे आप जाते हैं, आपको स्टिचिंग मिलती है, आप जो स्टाइल बताते हैं वो भी मिलता है, पर एक फैशन स्टूडियो में आपका स्टाइल हम खुद करते हैं। दिस इज समथिंग कि हम आपको ये बता सकते हैं कि क्या बेहतर, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या फैशन है, क्या वेदर है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्रेसेस डिजाइन होंगी। हम लोग यहाँ पे हर तरीके की ड्रेसेस डिजाइन करते हैं। बीइंग इंडियन, हम लोग ट्रेडिशनल वेयर भी बनाते हैं, ब्राइडल वेयर भी बनाते हैं, थीम ड्रेसेस भी बनाते हैं, और इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न में हमारा स्पेशलाइजेशन है। और जैसे कि कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जो कि सिबलिंग्स के लिए बनती हैं, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर्स, वो ड्रेसेस हमारी बहुत अच्छे से बनती हैं। प्लस जैसे ब्राइडल वेयर में कई ड्रेसेस ऐसी बनती हैं जो कि रस्मों के हिसाब से बनती हैं, जैसे कि मेहंदी की रस्म है तो सारा ग्रीन बेस पे आएगा, अगर हल्दी की रस्म है तो सब वो टर्मरिक कलर वो ही लेके हम ड्रेसेस बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली एक ड्रेसेस, एक अटायर जो होता है वो आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी वेडिंग में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो ड्रेसेस के साथ ही आप फ्लॉन्ट करते हैं। मॉडलिंग शोज के लिए भी हम लोग क्रिएट करते हैं ड्रेसेस, जैसे कि अभी रिसेंटली मेरा एक फैशन शो हुआ था ताज इंडिया फैशन वीक, वहां पे भी मैंने रिप्रेजेंट किया था गोल्डन बीच को एज अ डिजाइनर पूरा फेडरेशन, जिसमें कि हम लोगों ने मॉडल्स जो कि दिल्ली से फेमिना फाइनलिस्ट वगैरह आए हुए थे उनके लिए हमने ड्रेसेस डिजाइन की थी, जिसमें कि हमने सभी तरीके की ड्रेसेस उन्हें पहनाई, जो कि वेस्टर्न्स भी थी, इंडो वेस्टर्न्स भी थी, गरारे भी थे उसमें, गाउन्स भी थे फ्लेरी, जो कि रैम पे भी खूबसूरत लगे, और अगर वो कहीं पे मतलब नॉर्मली एक ही एक संदेशा देने के लिए था कि आप वो ड्रेसेस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खाली आप रैम पे पहन सके, वो ड्रेसेस इस तरीके से बनी हुई थी जो कि आप पार्टीज में आगे पहन सकते हैं और आप कंफर्टेबल भी रहे अकॉर्डिंग टू द वेदर। हाँ एग्जैक्टली, कॉस्ट के साथ हमें देखना पड़ता है बाइंग कैपेसिटी कस्टमर की, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो आप ये समझ लीजिए कि आज के टाइम में उसके डिफरेंट 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 अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, अकॉर्डिंग टू द रेट्स, फैशन सब बदल जाता है। आपको मटेरियल 500 का भी मिलेगा, आपको मटेरियल 5000 का भी मिलेगा, और फैशन क्योंकि हर कोई करना चाहता है, हर किसी को स्टाइलिंग पसंद है, तो कस्टमर की नीड के हिसाब से, कस्टमर की जो प्रेफरेंस है, जो इकोनॉमिक उसकी जो पॉकेट अलाउ कर रही है, उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं डिजाइन करने की। ये स्टूडियो संजय प्लेस में है, दिस इज बिलो अवध बैंकेट, और इजीली अप्रोचेबल है। संजय प्लेस में मुझे लगता नहीं है कि कोई भी अगर एंटर करता है तो उसे हमारा बुटीक ना दिखे। तो दिस इज द स्टूडियो की मतलब, हाँ संजय टॉकीज के बिल्कुल पीछे है, यस बैंक के पीछे है, बाकी बहुत इजीली आप वैसे ही बता सकते हो कि इट इज बिलो अवध बैंकेट, अवध बैंकेट इज वेरी फेमस। गोल्डन बीच फैशन स्टूडियो।